हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिक्योर आई के सिंगल बैंड राउटर का पासवर्ड चेंज करना सीखेंगे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने फुल कॉन्फ़िगरेशन बताया था। तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि भाई इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन तो कर लेते हैं, अब इसका जो सेकेंड अकाउंट है उससे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इंटरनेट का एक्सेस भी कर लेते हैं, बट हमें फ्यूचर में कभी पासवर्ड चेंज करना पड़ता है तो हमें वो नहीं समझ में आता कि इसका पासवर्ड हम चेंज कौन से अकाउंट से करें, पहले वाले से करें या दूसरे, यानी जिससे कॉन्फ़िगर किया उससे करेंगे या हम दूसरे से करेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और यही आपको मैं करके दिखाऊंगा। इस राउटर में सिक्योर आई का एक्सपॉन और एंटी राउटर है जो कि डेटा प्लस वाईफाई राउटर है, नॉर्मल राउटर है, नॉर्मल कनेक्शन के लिए आपको सही है, 50-60 Mbps तक कैपेबल है, काफ़ी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर देता है। सो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये राउटर दिखा देता हूँ और देन उसके बाद हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और कॉन्फ़िगरेशन इसकी चेक करते हैं और उसके बाद हम इसका पासवर्ड चेंज करते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये है हमारा सिक्योर आई का सिंगल बैंड राउटर जो कि डेटा प्लस वाईफाई के साथ है। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने काफ़ी दिन पहले करके वीडियो आपको अपलोड करी थी, तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी चली और काफ़ी लोगों ने पूछा है कि इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक दो यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, तो इनमें हम पासवर्ड कौन से यूजर नेम से चेंज कर सकते हैं और कौन से अकाउंट से चेंज कर सकते हैं। तो सो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप इस राउटर का पासवर्ड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो आपने पहले पासवर्ड रखा है उस राउटर वो पासवर्ड आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सिक्योर आई का सिंगल बैंड राउटर है, एक छोटा सा राउटर है, ये बस ओनली फॉर इंटरनेट यूज के लिए है, इससे आप कॉलिंग वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये अगर आप नॉर्मल कनेक्शन ले रहे हैं तो उसके लिए सही है, ये इतने 50 Mbps तक की स्पीड के लिए कैपेबल होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका पासवर्ड आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो उसके लिए चलिए हम आपको लेके चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इस राउटर का पासवर्ड बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और चलिए अब हम इसको करते हैं लॉगिन और लॉगिन करने के बाद हम इसका करेंगे पासवर्ड चेंज। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो हमारा ओल्ड पासवर्ड है जो हमने रखा हुआ है, देन इसके बाद हम यहाँ पर डाल लेते हैं वेरिफिकेशन कोड जो इसने दिया हुआ है और हमने वेरिफिकेशन कोड डाल लिया। अब हम इसको लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें सेम उसी प्रकार से इसको करना है जैसे हमने डुअल बैंड में देखा हुआ है, तो हमें नेटवर्क में जाना है और नेटवर्क में जाने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है 2.4G का ऑप्शन, क्योंकि ये सिंगल बैंड राउटर है तो यहाँ पर हमें सिंगल बैंड की ही SSID मिलेगी। सो ये 2.4G का जो राउटर है इसमें हमें यहाँ पर मिल जाता है इसका यूज नाम जो कि हम वाईफाई नेम होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ये देखिए यहाँ पर रख दिया है नाम जो भी ऐसे ही रख दिया है। देन इसके बाद हमें इसको अप्लाई चेंजेज पर क्लिक करना है और हमने अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर दिया है। अब ये कुछ सेकंड्स के अंदर अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ये देखिए चेंज सेटिंग सक्सेसफुली, हमने ओके कर दिया। और इसका पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें इस ऑप्शन में आना है जो लिखा है डब्लू लाइन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे आने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है पासवर्ड, हम पासवर्ड शो कर सकते हैं। देन इसके बाद जो भी नया पासवर्ड आपको यहाँ डालना है वो पासवर्ड आप डाल सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पर ऐसे ही एक पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद हमने अप्लाई चेंज पर क्लिक कर दिया है। और अप्लाई चेंज पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ सेकंड्स में अपने आप चेंज कर देगा और जैसे ही चेंज करेगा ये देखिए आपको दिख गया होगा चेंज कर दिया इसने। और उसके बाद हम आ जाते हैं मैनेजमेंट में जहां से हम इसका यूजर नेम तो नहीं चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड हम इसका लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी ओल्ड पासवर्ड है वो रख देना है, दूसरे में आपको न्यू पासवर्ड रखना है, तीसरे में आपको कन्फर्म न्यू पासवर्ड करना है, के बाद अप्लाई चेंज पर क्लिक कर देना है, ये अपने आप जो है चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने सिक्योर आई के राउटर सिंगल बैंड राउटर की पासवर्ड जो है इसका चेंज कर लिया है, वो चाहे कनेक्टिंग पासवर्ड हो या फिर इसका जो वाईफाई नेम है वो हो या फिर इसका यूजर नेम हो या फिर इसका जो है लॉगिन पासवर्ड हो, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कुछ सेकेंड यानी कुछ मिनट के अंदर चेंज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको देख के तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चेंज करने में, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।